प्राचीन काल में सुधन्वा नाम के एक राजा रहते थे। वे एक दिन आखेट के लिए वन में गए। उनके जाने के बाद ही उनकी पत्नी रजस्वला हो गई। उसने इस समाचार को अपने शिकारी पक्षी के माध्यम से राजा के पास पहुंचवा दिया। समाचार पाकर राजा सुधन्वा ने एक दोने में अपना वीर निकालकर पक्षी को दे दिया। पक्षी उस दोने को राजा की पत्नी के पास पहुँचाने आकाश में उड़ चला। रास्ते में उस शिकारी पक्षी पर दूसरे शिकारी पक्षियों ने हमला कर दिया। दोनों पक्षियों में युद्ध होने लगा। युद्ध के दौरान वह दोना पक्षी के पंजे से छूटकर यमुना नदी में गिर गया। यमुना में ब्रह्मा जी के श्राप से मछली बनी एक अप्सरा रहती थी। मछली रूपी अप्सरा दोने में बहते हुए वीर को निगल गई और उसके प्रभाव से वह गर्भवती हो गई। कुछ दिनों के बाद एक निषाद ने गर्भपूर्ण होने पर उस मछली को अपने जाल में फंसा लिया। निषाद ने जब मछली का पेट चीरा तो उसके पेट से एक बालक तथा एक बालिका निकली। वह निषाद उन शिशुओं को लेकर महाराज सुधन्वा के पास गया। महाराज सुधन्वा के पुत्र नहीं होने के कारण उन्होंने बालक को अपने पास रख लिया, जिसका नाम मत्स्यराज हुआ। बालिका निषाद के पास ही रह गई और उसका नाम मत्स्यगंधा रखा गया, क्योंकि उसके अंगों से मछली की गंध निकलती थी। उस कन्या को सत्यवती के नाम से भी जाना जाने लगा। बड़ी होने पर वह बालिका नाव खेने का कार्य करने लगी। एक बार पराशर मुनि को उसकी नाव पर बैठकर यमुना पार करनी पड़ी। पराशर मुनि सत्यवती के रूप सौंदर्य पर मोहित हो गए और बोले, देवी, हम तुम्हारे साथ सहवास के इच्छुक हैं। सत्यवती ने कहा, मुनिवर, आप ब्रह्मज्ञानी हैं और मैं निषाद कन्या, हमारा सहवास नहीं हो सकता। तब पराशर मुनि बोले, तुम चिंता मत करो, प्रसूति होने पर भी तुम कुंवारी ही रहोगी। इतना कहकर उन्होंने अपने योग बल से चारों ओर घने कोहरे का जाल रच दिया और सत्यवती के साथ भोग किया। उसके बाद उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारे शरीर से जो मछली की गंध निकलती है वह सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से वेद वेदांतों में पारंगत एक पुत्र हुआ। जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, माता, तू जब कभी भी विपत्ति में मुझे याद करेगी मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। इतना कहकर वे तपस्या करने के लिए द्वैपायन द्वीप चले गए। द्वैपायन द्वीप में तपस्या करने तथा उनके शरीर का रंग काला होने के कारण उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। आगे चलकर वेदों का भाष्य करने के कारण वे वेद व्यास कहलाए। वेद व्यास प्रखर ज्ञानी थे। इसका एक मुख्य कारण ये भी था कि वे खुद भगवान नारायण के अंशावतार थे, जिसकी वजह से उनके पास दिव्य ज्ञान का भंडार था। और आगे चल के वेद व्यास जी ने ही महाकाव्य महाभारत की रचना कर डाली। भगवान वेद व्यास के आशीर्वाद से ही गांधारी के 100 पुत्र हुए। और जिस सत्यवती के गर्भ से वेद व्यास जी का उदय हुआ था, उसी सत्यवती का विवाह भीष्म पितामह के पिता महाराज शांतनु से हुआ। इस तरह से देवव्रत यानी भीष्म पितामह भगवान व्यास जी के भाई भी हुए।